यशो मती मैया के नंदलाला। सीधा इसके आंखों में मत देखना और इसे छूना भी मत। चाची आप मुझे छूओगी नहीं तो पकड़ोगी कैसे? प्रभावती नारायण का नाम जपो और पकड़ लो इसे। नारायण 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 नारायण। अब तुम इसे लेकर सीधा जशोदा जी के पास जाओ, हम तुम्हारे पीछे से आएंगे। अगर साथ आए तो जशोदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे। खड़ी क्या है प्रभावती, शीघ्र लेके जाना। सारा का सारा माखन चट कर गयो तुम्हारा, और केवल माखन ही नहीं सारा दूध दही भी चट कर गयो जी। सोचो अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाओगी, इसे रोकना ही पड़ेगा प्रभावती। यशोदा जी कहाँ हो? बाहर आओ जीजी। क्या होगा प्रभावती, ऐसे आकाश सर पे क्यों उठा रही है? क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने। आपको साक्ष चाहिए था ना, जे रहो साक्ष। अब बताइए कौन है दोषी, हम सब गोपियां या आपका कान्हा? अच्छा तो तूने मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ो है? हाँ। पक्की बात? अब भी कोई संदेह है आपको? सबके सामने पकड़ो है माखन चुराते हुए। अच्छा तो कहाँ पकड़ो है तूने इसे? मेरे घर पर। ओ तो तूने कहीं सबके सामने पकड़ो है, तो और कौन कौन था वहाँ? सुलक्षणा थी। मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता थी इसे? संकरी मौसी थी, सुमति, सावित्री, कस्तूरी। ये सबको नाम क्यों ले रही है? और जानकी भी थी। अब यशोदा भाभी कभी अपने घर में प्रवेश ही ना करने देंगी हमें। अब सब बाहर से क्या तंखा जाकी कर रही हो, भीतर आ ही जाओ। तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना? हाँ सारी स्त्रियां एक साथ मिलके मेरे नन्हे से कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो सबके सब। तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना ये सब जान के? पर भाभी हम सब प्रभावती चाची के यहाँ छुपकर बैठी थी, वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कान्हा को चोरी करते हुए। जशोदा जी हमें ये सब आप ही के कारण करना पड़ रहा है। मेरे कारण? साक्ष्य लाने भी तो तूने ही कही थी ना। अब जे रहो आपका साक्ष्य, आपका कान्हा। प्रभावती तेरी मति मारी गई है क्या? हाँ तू भी आ गई इन सबके झांसे में? ना ना जीजी, मैं इन सबके जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊं। कान्हा को स्वयं पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए, तभी तो लाई हूँ। तो पहले देख भी ले तूने किसका हाथ पकड़ो है, मेरे कान्हा का या अपने श्रीदामा का। ये
ये कैसे संभव है? ये तो लगता है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक श्रम कर रही है तू। तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा कान्हा दिख रहा है। यहाँ कैसे आ गो तू? अवश्य कान्हा ने अदला बदली की होगी। मैं क्या? तूने भी माखन खायो है ना? कान्हा से मिलो है तू भी ना? अरे बस कर प्रभावती, अपनी भूल छुपाने के लिए उस निर्दोष बालक को क्यों डांट रही है? पर जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। देखा तो मैंने भी था। हाँ, हमने सभी देखा था। फिर श्री मामा कैसे यहाँ आ गए हो? प्रभावती ने ही मार्ग में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी होगी। मैंने कोई गड़बड़ ना की है, हाथ पकड़ कर सीधा यही लाई हुई से। कहाँ गौ खाना? हाँ बता कहाँ गौ? बस बस, अब अपनी भूल मान लो सब। तुम सब मेरे कान्हा को माखन चोर सिद्ध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें श्रीदामा में भी कान्हा दिख रहे हो। और तू प्रभावती, तूने तो उस निर्दोष को माखन भी ना खाने दियो और उसे कान्हा समझ के यहाँ ले आई। देख मुंह पे माखन लगो है। जीजी, कान्हा ने अवश्य ही कोई छल क्यों है। हाँ भाभी, क्या और कैसे जे मत ही पूछो, इसका उत्तर ना है हमारे पास। पर कछु ना कछु कियो है उसने, नहीं तो हर बार कैसे बन जाता है। हाँ वही तो, अपनी आंखों से न देखो हो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो तो। पर जशोदा, इस बार चोरी तो कान्हा ने ही की है, मेरी बात मानती हो ना तुम? हाँ हाँ जे सही है मौसी, आप सब श्रीदामा को कान्हा बुलाओ मैं मान जाऊँ, आप सब मेरे कान्हा को माखन चोर बुलाओ मैं मान जाऊँ। अरे आप सबके मन में जो कछु आए आप बोलो और मैं बावली मान जाऊँ। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। मानना ही पड़ेगा। हाँ जीत जी, बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जाओगे। जब अपनी आंखों से अपने लल्ला को चोरी करते हुए देखोगे ना जी जी, तब हम सब आपसे प्रसन्न करेंगे। फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। चलो। हाँ चलो। स्वयं को सिद्ध ना कर पाई तो अनर्गल बड़बड़ा रही है सबके साथ। मेरा लल्ला अपने घर पे माखन क्यों चुराएगा भला? तुमने और जीजी के सामने उपहास का पात्र बना दिया मुझे। ये तुमने ठीक ना किया। पहले ना बोल सकता था कि मैंने कान्हा को ना तुझे पकड़ो है। तो पर मैं तो यहाँ हूँ ना मैया। मैं तो अभी श्रीधामा को भीतर लाई थी। पर मैं तो यही था मैया घर पे। मैंने कान्हा को चोरी करते पकड़ो, उसे जिज्जी के पास ले गई, वहां पलट के देखो तो वो कान्हा ना श्रीधामा था। फिर मैं श्रीधामा को यहाँ पर लेकर आई तो वो कान्हा निकला। ये क्या हो रहा है? तक तो है अधिक माखन बेचने के लिए बहुत अधिक श्रम कर रही हो आप। इसलिए श्रीधामा मैं दिख रहा हूँ चाची। ना, तू यहाँ माखन चुराने आयो था और अब मेरे साथ छल कर रहा है। ओहो चाची, आप भूल रही हो, मैं तो यहाँ गुड़ वाला दही खाने आया था। आप ही ने बुलाया था ना? हाँ बुलाया तो मैंने ही था,
बहुत स्वादिष्ट था। फिर से बनाओ तो बताना, मैं फिर आऊंगा खाने। अरे आ गई आप, लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए। आपका वचन तो स्मरण है ना आपको? मैंने सुना था गोकुल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है, और आपने तो मेरे सामने श्री नारायण की शपथ ली है। हाँ हाँ, हमें स्मरण है व्यापारी जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। जे तनिक कुछ कारण से विलम्ब हो गयो, पर हम एक दो दिन में आपको सारा माखन दे देंगे। अगर सामग्री सर्वश्रेष्ठ है तो एक दो दिन तो प्रतीक्षा कर ही सकता हूँ मैं, किंतु आपको वो सामग्री लेकर मथुरा आना होगा। आज मैं जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, हम सारी सामग्री वहाँ आराम से पहुँचा देंगे। बस तो फिर मैं आपको मथुरा के द्वार पर ही मिलूंगा। नारायण नारायण नारायण। यहाँ अग्रिम धनराशि मिली थी, मथुरा में मिलेगा धोखा। सब झटक लूंगा। बावली हो गई है सबके साथ, न बातों का और न छोर, कुछ भी पक पक करके चली गई। इनके घर में घुस के माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा काना? कछु सोचो कि ना काना, दो दिन से चौरे विद्या प्रसारण टोली निठली बैठी है। किसके घर माखन चोरी करने जानो है आज, बताना कान्हा। अभी साथ बैठना ही उचित होगा हमारी टोली के लिए। पर हमारी टोली खेलने तो जा सकती है ना? गोपियों के कारण दो दिन से मैया व्याकुल है, अब मुझे ही कछु करना पड़ेगो। खेलने चलना। तुम सब चलो, मैं बाद में आऊंगू। बाद में क्यों? मेरा विश्वास करो दाऊ। आप सब जाओ, मुझे एक छोटा सा कार्य है, पीछे पीछे आता हूँ मैं वो करके। अपने सखाओं के साथ क्यों ना गाँव खेलने? योजना सफल हो गई। अकेले अकेले खेल रहे लल्ला? सखाओं के साथ क्यों ना गयो? मैंने सोच लिया है मैया, अब से बाहर खेलने ना जाऊंगो। ऐसा क्यों लल्ला, बोल ना, कुछ हुआ है क्या? किसी ने झगड़ा किया क्या तेरे साथ? झगड़े की बात ना है मैया, जब से मैं बाहर जाने लगू ना, गोपियां मेरी शिकार लेकर आ जाती है। पर आप उनकी बातें सोच सोच के गोकुल रहती हो, हंसती मुस्कुराती भी ना हो, इसलिए मैं आपसे बाहर जाऊंगा ही ना, आपकी आंखों के सामने ही रहूंगो। तनिक अधिक ना सोचने लगा तू? अभी तो कितना अधिक सोचती हूँ मैया। अच्छा, अब से ना सोचूंगी बस। और पहले की तरह प्रसन्न भी रहोगी? हाँ, प्रसन्न भी रहूंगी, और तू भी रहेगो ना? और सखाओं के साथ बाहर खेलने भी जाएगो ना? भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है, गोकुल की रानी हूँ मैं और तू मेरा प्यारा सा राजकुमार। मैया, फिर से गोपियां शिकायत लेकर आई तो क्या, ऐसा भयभीत करूंगी कि उल्टे पांव भाग जाएंगी और सदैव स्मरण रखेंगी। आने तो भैया, उनको भयभीत कैसे करूंगी? ऐसे। मैया, अब
फंस जान की होगी है ना। सावधान। जहाँ है वहीं ठहर जा, मेरे घर में पाँव भी मत ही रखियो, चुपचाप चली जाया। ये क्या हो रहा है? वैसे जब मुझे जच रही थी तुम पर, यही तो चाहता था मैं। अच्छा मुझे अभी शीघ्र जाना है, मैं वापस आकर इस मूंछों वाले योद्धा से मिल तो। आप इतने उत्साह में कहाँ चल दिए? बहुत विशेष अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, कड़ाव ब्राह्मण। वर्षों की तीर्थ यात्रा के पश्चात वो हमारे गोकुल में पधारे हैं। ये कन्नो ब्राह्मण कौन है मैया? बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है लल्ला। नारायण के बहुत बड़े भक्त। पता है तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे शीघ्र ही मैया बनने का आशीर्वाद दिया था, और फिर चिन्नन्ना सा कान्हा गोद में खिलो मेरे। यशोदा, उन्हें तो पता भी ना होगा कि हमारे यहाँ लल्ला हुआ है। सारी मटकियाँ अच्छे से रखना। ठीक है। सुनो पतिदेव, ध्यान से लेके जाना। ठीक है। सही से गिनती कर ली है ना? ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, कितने हैं जे बताओ। अब 4 मटकी माखन, 6 मटकी दूध और 5 मटकी दही। घी की मटकी कौन बताएगा? हाँ, घी की भी 3 मटकी है। वहाँ जाके भूल मत ही जाना, सही से गिनती कराना। और हाँ, आते वक्त 2 गुना अग्रिम धनराशि लेके आनी है, समझ में आई? ठीक है। स्मरण रखना, यदि आते वक्त धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश ना करने दूंगी। ठीक है। भैया, ये नंदगांव ही है ना? है तो भैया, पर आजकल नंदगांव से अधिक नंद के नंदन का गांव कहलाती है गोकुल। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है उसके बारे में। वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। हमारे कान्हा को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी। इसीलिए तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तुम्हें पतो है ना, स्वच्छता और शुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरंभ करने से पहले स्वयं मंदिर को धोते। अरे ब्राह्मण देवता, ये सब फिर से करने की क्या आवश्यकता है? इतना तो सामान्य है। किसी के लिए सामान्य होगा, लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री नारायण की इच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए। जब पूर्ण शुद्धता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा। आप चिंता मत करो, उनके आने से पहले सब स्वच्छ कर दूंगी मैं। क्या ये सत्य है कि नंदराज का बालक दिव्य है? ये तो मुझे ना पता ब्राह्मण देवता कि वो दिव्य है कि ना, पर कुछ तो बात है उसमें। उसे देख के मन को अद्भुत संतुष्टि मिलतो है। ऐसा क्या विशेष है नंद के बालक में? मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुका और मैया कार्य में लग गई। ऐसा क्या विशेष है कनो ब्राह्मण में? अच्छा, पूछ बन के क्यों?
क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे? हाँ काढ़े करने दे मुझे, समय ना है मेरे पास। मैया आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी। अब आप झाड़ू से घर बुआ रही हो? ना लल्ला, रानी हुई तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। लल्ला रहने दे, छोड़ दे। राजकुमार तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं तो आपका कार्य कम करना चाहता था मैया, उतार बढ़ा दियो मैंने। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे, तू जा बैठ के माखन खा, शक्ति बढ़ा, मैं कर लूंगी जैसे। क्या सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाएंगे प्रभु? जाना तो चाहता हूँ, पर गोकुल वासियों का ये पाठ सिखाना पिता आवश्यक है कि अपने राजा रानी या अभिभावक का सुझाव ना मानने का क्या दुष्परिणाम होता है। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि वो सब माखन इकट्ठा करके मथुरा ले जा सकें और समझ सकें कि उन्होंने किसके साथ व्यापार करने की भूल की है।